शराब कारोबारी कहीं कोई अपराध नहीं कर रहा है और वो शराब वही कारोबार कर रहा है जो अपराधी है। अपराध शराब कारोबारी अपराध नहीं कर रहा है, अपराधी ही शराब का कारोबारी कर रहा है। तो वो ऑलरेडी अपराध दुनिया में है, तो शराब बेचे, गाजा बेचे, चरस बेचे, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपराधी है, जेल जाना ना उसका तो रास्ता बना हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी बेच सकता है और सरकार को बदनाम करने का काम कर सकता है पासी समाज से। तो तारीख लेकर एक उसमें आया था समस्या, तो उस पर हमारे नेता ने बोले कि इसकी हम अलग से जाँच करा लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, इसमें जो इसका जो भी बात है इसमें नजायज गलत ढंग से जो लोग को फंसाया जाता है शराब की आड़ में, तारी व्यापारी को जो फंसाया जाता है, क्योंकि तारी को तनीरा का रूप दिया गया और उसका व्यापार करने के लिए तो हमारे सरकार ने लाइसेंस भी देने का काम किए हैं, तो उसके रूप में उसमें जो भी लोग फंसते हैं कहीं ना कहीं से उसमें लापरवाही, हम प्रशासन को भी दोषी मानते हैं और कहीं ना कहीं से उसको गलत ढंग का गलत रूप लिया जाता है, उस पर हमारे सरकार द्वारा इसका जाँच कराया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं से संशोधन करके इसमें सुधार लाया जाएगा। 25 में आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश? निश्चित रूप से, हम तो आपको बता दिए कि कहने का मतलब है कि स्वाभाविक नहीं है कि मान लीजिए हम 100 सीट लाकर बने, हो सकता है हम 20 सीट में खेला खराब कर दें, तो किंग मेकर का काम करेंगे, खेला होगा। 40 सीट हमारे पास है, 40 में 40 सीट हमारी आएगी और 40 सीट में मेरा खेला होगा। हम बिहार से ही खेला करते करने वाले, हमारा महागठबंधन है और खेला देश का। जैसे महागठबंधन मत कहिए, नीतीश कुमार चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार, सवाल कई हैं, खास तौर पर चाचा भतीजा की जोड़ी कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रही है। चाचा अब मान चुके हैं कि भतीजा 2025 में गोल कर लेगा और बिहार की सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं चाचा ने अभी से ही तेजस्वी यादव को कमान सौंपने का फैसला कर लिया है, मूड बना लिया है और कहीं ना कहीं बातों में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के खेमे में क्या चल रहा है, क्या उनकी सोच है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव और सह दरभंगा के प्रभारी हैं, दरभंगा में इन्होंने कुशेश्वर स्थान में जीत भी दिलवाई थी पार्टी को, रंजीत साहनी जी, इनसे सीधे सीधे बात करेंगे। नमस्कार। कि ये क्या हुआ 25 में अब तेजस्वी है? नहीं, ऐसा नहीं है, 25 से पहले 24 है और 24 में तेजस्वी जी मेहनत करेंगे और केंद्र की राजनीति में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र के राजनीतिक देश सौंपेंगे और उसके बाद स्वाभाविक है जब देश के नेतृत्व करने लगेंगे तो खाली हो जाएगा, तो 25 उसके बाद तेजस्वी जी देखेंगे, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, उससे पहले 24 है, तो 24 पहले आएगा उसके बाद 25 ना आएगा, तो 24 को पहले देखना है उसके बाद 25, स्वाभाविक है कि जब खाली होता है तो किसी न किसी को जवाब दे दिया जाएगा, तो जब खाली होगा तो स्वाभाविक है, खाली तो अभी हुआ नहीं है, तो 24 में देखा जाएगा। 24 में पहले देश की राजनीति में पहले हमारे नेता प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए और उस लायक भी है और पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार बिहार को किस तरह से सींचने का काम किए हैं, तो उनको स्वाभाविक है कि उनके हाथ में बागडोर देश की मिलनी चाहिए और देश का भी उसी तरह विकास हो, और स्वाभाविक है जब 24 में उनके हाथ में देश की बागडोर को जब मिलेगा तो बिहार के खाली होगा कुर्सी, तो मौका मिलेगा तेजस्वी जी को। अच्छा, आपके आला नेताओं के द्वारा कहा गया कि तीसरा मोर्चा नहीं है, संयुक्त मोर्चा होगा, मतलब उससे भी बड़ा विपक्ष बनाएंगे, सबको न्योता गया है, तो क्या लगता है 24 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ज़मीनी स्तर पर कितनी तैयारी? देखिए, राजनीतिक में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और बात रही कि हम छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आपको, हमारे जो अभी 5 में जो हम सत्ता में थे सो और 10 में थे, 15 में थे, आज 20 में हैं, तो आप ही देख लीजिए ना, लोग कहता है कहीं ना कहीं ये गठबंधन के कारण नहीं हम लोग सत्ता में हैं ना, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये गठबंधन के अंदर के जो हमारे नेता होते हैं वो तय करते हैं, ये 5 सीट वाले बनेंगे कि 25 सीट वाले बनेंगे कि 50 सीट वाले बनेंगे, ऐसा भी होता है कि 40 सीट वाले भी देश के नेतृत्व कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो
100 सीट या 200 सीट लाएगा वही नेतृत्व करेगा। हो सकता है कभी कभी 20 सीट समीकरण खराब हो जाता है तो 20 सीट वाले ही देश का नेतृत्व कर सकता है। तो हो सकता है कि हम किस रूप में वहाँ पर ही आएंगे तो वो तो विपक्ष को पता चलेगा कि वो सोचे अपना कि 24 में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज पूरे बिहार की राजनीति में देखिए, देश की राजनीति में देखिए, कहने के लिए अति पिछड़ा की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और जिस तरह से अति पिछड़ा को दरकिनार किया जाता है, और अभी हम लोग केसरिया से चलकर पटना तक गए हैं पदयात्रा आरक्षण के मुद्दा पर लेकर। ये गंगी बहरी सरकार बार बार 15 से हम लोग ने STSC का मांग किए हैं, और हर बार चुनाव आता है तो हर बार एक नया लॉलीपॉप दिखा के हम लोग का वोट बैंक को समेट के ले लिया जाता है। लेकिन उनको अंदाज नहीं है कि यही अति पिछड़ा इस बार उनको 24 में सत्ता से उतारने का काम करेगी, क्योंकि टोटल अति पिछड़ा समाज और टोटल हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ खड़ा है मजबूती से, और पूरे लोग दमखम के साथ इस बार उनको 24 का नेतृत्व, जिसमें हमारे सहयोगी दल तेजस्वी जी का पूरा समर्थन के साथ तैयारी में लगेंगे, और हम लोग गद्दी हासिल करके रहेंगे 24 का। और स्वाभाविक है कि 24 में जब हम लोग केंद्र के नेतृत्व में हमारे नेता जाएंगे तो 25 में हमारे सहयोगी दल निश्चित रूप से उनको मौका दिया जाएगा। अच्छा, कुरहन्नी जब आप लोगों की कुरहन्नी में हार हुई तो एक मुद्दा आया बीच में कि शराबबंदी या फिर जो पुलिस की बर्बरता जो लोगों पर अति पिछड़ा दलित लोगों पर होता है, इसके कारण आपकी हार हो गई, पासी समाज इधर हो गया। आज की अगर बात करें, आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र में नीतीश जी बहुत गुस्से में आ गए, फिर से वही एक गुस्सा वाला मूड उनका नज़र आया शराबबंदी के नाम पर। तो शराबबंदी में जो महागठबंधन में होने लगी बात की संशोधन होना चाहिए, एक बार फिर बात होनी चाहिए शराबबंदी को, तो क्या ये कांटा बन सकता है क्या 24 और 25 के लिए शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी में जो नियम है, नियम संगत अगर काम होए तो कहीं कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा लापरवाही उसमें होती है किसी न कहीं किसी न किसी रूप में। सरकार के जो नियम संगत जो काम होता है प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कुछ न कुछ है, जिसके कारण कुछ हमारे मतलब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। और इसकी अलग से मान लीजिए हमारे नेता ने कहा है कि इसकी हम जांच करवाएंगे और समीक्षा भी होगा कि इसमें निर्दोष लोग नहीं फंसे किसी भी तरह से, इसकी अपने स्तर से। रंजीत जी, शराबबंदी है, आपकी सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून लाया गया, छपरा में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कितनी संख्या में लोग मर गए, आज उसी पर बवाल हुआ है, तो शराबबंदी में शराब बनता कैसे है, आता कैसे है? पुलिस कहीं ना कहीं आपकी बिकी हुई है, घुसखोरी करती है, उस पर ये आरोप लगाया जाता है, पैसा लेके सारा काम होता है, काहे नहीं अंकुश लग पाता है? अच्छा, शराबबंदी नियम हमारे नेता जब सत्ता में है आए तो उसके बाद अपना लाए, महिला लोग के कहने पर लाए। हम छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों को, मुजफ्फरपुर की महिला लोग ही थी? नहीं, नहीं, पूरे पूरे बिहार की महिला थी, लेकिन हम छोटा सा एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको। इस शराबबंदी पर जो आप लोग जो कमेंट करते हैं, लोग को जो कमेंट आता है, यहाँ पर जो है 302 जो धारा में क्या होता है आप लोग बताइए, फांसी होती थी। वो जो कानून बना वो कब बना? हाँ, क्या उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार थी? उस समय समता की सरकार थी, जदयू की सरकार थी? नहीं थी। वो जो कानून बना 302 में फांसी, क्या अपराध की दुनिया में आज भी देखते हैं कि हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक सरकार एक जरिया होती है, कोई भी कानून लाने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाना एक जरिया होती है, उस पर पालन करना हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग के माध्यम से जनता को उसमें समझाना पड़ता है। जो लोग समझदार होते हैं, जो समझते हैं बात को, उस पर अमल करते हैं, जो नहीं समझते हैं उन्हें अमल करते हैं। आप जानते हैं कि शराब बंद है तो फिर शराब पीना क्यों चीज़ का? तो स्वाभाविक है, शराब के नशा के रूप में आप शराब पीने की जहर पीने पता तो नहीं चलता है, तो फिर जहरीली शराब हो गई, तो ये आती कहाँ से है? तो आप तो जहर कहीं से लाके पी सकते हैं, इसमें आती कहाँ से, इसका कौन बात है? जब 302 में फांसी हो सकती है तो फिर भी लोग क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, चक्कू भोंक देते हैं।
तो चक्कू कहाँ से आती है, गोली कहाँ से आती है, तो ये सब बात तो, तो आप मानिएगा नहीं, पुलिस की कमी को नहीं मानिए, ये सब जो है ऐसे लोग को समझदारी, पुलिस की कमी नहीं और आम जनता को इसमें लॉ एंड ऑर्डर और सब लोग को कॉपरेट करना चाहिए। आप लोग को भी समझाना चाहिए कि देखिए जो चीज बैंड है तो है, उस पर पालन कीजिए और उसमें सहयोग कीजिए सरकार को, और सरकार के साथ कदम से कदम हाथ बढ़ाकर चलने का काम। शराब के कारोबारियों को समझाइएगा तो गोली मार देंगे। अभी अभी जो एक फिल्म आया हुआ है खाकी, जिसका विरोध हुआ कि आओगे बिहार में तो ठोक देंगे गोली कपार में, समझे, तो वो चीज़ आजकल शराब कारोबारी कर रहा है, तो वो तो इतने बड़े हो गए, इसकी कमी हम पूछ रहे हैं कि कौन कमी किसने की, किसके द्वारा की गई जो आज ये इतने मनोबल बढ़ गए इनके, हर जगह पैसे का खेल मैनेज हो जाता है। शराब कारोबारी कहीं कोई अपराध नहीं कर रहा है, और वो शराब वही कारोबार कर रहा है जो अपराधी है। अपराध शराब कारोबारी अपराध नहीं कर रहा, अपराधी ही शराब का कारोबारी कर रहा है, तो वो ऑलरेडी अपराध दुनिया में है, तो शराब बेचे, गाजा बेचे, चरस बेचे, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपराधी है, जेल जाना ना उसका तो रास्ता बना हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी बेच सकता है और सरकार को बदनाम करने का काम कर सकता है, इस पर कोई मतलब नहीं। धरनी की हार के बाद कांग्रेस ने कहा कि शराबबंदी पर नहीं सोचा गया तो आगे का फ्यूचर खराब हो सकता है, तो क्या 24 में शराबबंदी पर बिना कुछ सोचे 24 लड़ लेंगे? उसमें थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहते हैं, शराबबंदी पर शराब पर नहीं बोला गया था, उसमें एक आया था प्रस्ताव, हमारे नेता मंच पर ही थे तो कुछ लोग उसमें आए थे पासी समाज से, तो तारी के लेकर एक उसमें आया था समस्या, तो उस पर हमारे नेता ने बोले कि इसकी हम अलग से जांच करा लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, इसमें जो इसका जो भी बात है इसमें नजायज गलत ढंग से जो लोग को फंसाया जाता है, शराब की आड़ में तारी व्यापारी को जो फंसाया जाता है, क्योंकि तारी को तनीरा का रूप दिया गया और उसका व्यापार करने के लिए तो हमारे सरकार ने लाइसेंस भी देने का काम किए हैं, तो उसके रूप में उसमें जो भी लोग फंसते हैं कहीं ना कहीं से उसमें लापरवाही, हम प्रशासन को भी दोषी मानते हैं और कहीं ना कहीं से उसको गलत ढंग का गलत रूप लिया जाता है, उस पर हमारे सरकार द्वारा इसका जांच कराया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं से संशोधन करके इसमें सुधार लाया जाएगा। 25 में आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश? निश्चित रूप से, हम तो आपको बता दिए कि कहने का मतलब है कि स्वाभाविक नहीं है कि मान लीजिए हम 100 सीट लाकर बने, हो सकता है हम 20 सीट में खेला खराब कर दें, मतलब किंग मेकर का काम करेंगे, खेला होगा। 40 सीट हमारे पास है, 40 में 40 सीट हमारी आएगी और 40 सीट में मेरा खेला होगा, हम बिहार से ही खेला करते करने वाले, हमारा महागठबंधन है और खेला देश का। जैसे महागठबंधन मत कहिए, नीतीश कुमार चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो वही बात है कि प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, जब मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं होंगे, तो ये तो खुद समझ रहे हैं आप लोग, सीट कोई मायने नहीं है, देश के नेतृत्व कौन करेगा वो मायने है। चलिए, तो अभी भी जनता दल यूनाइटेड के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस पूरी तरह से राजनीति के, जो कहते हैं ना राज करने की नीति, सिस्टम ऑफ रूलिंग पर पूरी तरह से विश्वास है, और 24 में भी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं वो आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं हम 24 में जीतेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी 25 में ही तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सौंप दी है, जो कि बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ, हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ, मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।